पे। और अब पल्सर अपनी फुल ऑन स्पीड में, क्या पल्सर जम मार के पल्सर पूरा कर पाएगी? क्या हाल चाल मेरे दोस्तों, मैं आपका दोस्त आपका होस्ट फिर से आ चुका हूँ एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ और ब्रांड न्यू चैलेंज के साथ। जैसे कि आप देख सकते हो हमारे पास है 5 सुपर बाइक्स और ये बाइक्स करने वाली है आपस में चैलेंज। जो आपको मैं दिखाता हूँ आज के चैलेंज का सेटअप, स्टंट, रैम जो बोलो आप, वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये आप देख सकते हो ये अपनी को पूरा पार कर रहा है। आप देख सकते हो इतनी पतली पतली जगह से अपनी सुपर बाइक्स को जाना है और जाके डायरेक्ट पहुंचना है ना उस एंड पोजीशन से, यहाँ से उड़ी मार के इस टायर से निकल के ये उसका एंड पोजीशन है। अगर जो भी बाइक आज के एंड पोजीशन में पहुंचती वो होगी विनर। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले अपनी बारी है KTM की, क्या KTM इसको पूरा कर पाती है? तो धीरे धीरे लेके जाएंगे, कोई घाई नहीं करेंगे। अगर जिस गाड़ी का हैंडलिंग अच्छा होगा, ब्रेक अच्छा होगा, वो गाड़ी ये चैलेंज जीतने वाली है। तो आप देखते हैं सबसे पहले KTM Duke R अपनी बढ़ती हुई अपनी ट्रैक से। तो देख सकते हो बहुत स्लोली स्लोली अपन KTM Duke को लेके जा रहे हैं और ये पटरी के ट्रैक पे, बट ये मिस बैलेंस होके अपनी ऑफ चली गई। तो यार बढ़िया। दूसरी बाइक की तो आप देख सकते हो, दूसरी बाइक हमारे पास Kawasaki ZX6R, ये भी एक बहुत ही महंगी और सुपर बाइक है। क्या ये इस चैलेंज को पूरा कर सकती है? पहला तो लकड़ी का चैलेंज बहुत इजीली इसने पूरा कर लिया क्योंकि बहुत बड़ा है और ये मेन है जो पतला स्ट्रिक है, क्या इस पे ये अपने आप को बनाए रखती है? इसके हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस, इस चैलेंज में हैंडलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हैंडलिंग आपकी गाड़ी की अच्छी होगी ना, ये चैलेंज इजीली वही बाइक जीतने वाली है। क्योंकि देख सकते हो आप पतली पतली जगह है यार, मतलब थोड़ी भी गलती और अपनी बाइक डायरेक्ट पानी के अंदर। बट आप देख सकते हो Kawasaki बहुत ही स्मूथली और इजी इस चैलेंज को कर रही है और अपने टारगेट की ओर बढ़ रही है। तो धीरे धीरे अपन इसको लेके जाते, अगर इसने कर लिया तो आप मेक श्योर लाइक कर दोगे और चैनल कर दोगे सब्सक्राइब और कमेंट करके मुझे बताओगे कि नेक्स्ट चैलेंज कौन सी गाड़ी और बाइक के बीच में होना चाहिए। तो अपन देख सकते हैं ऑलरेडी अपन थोड़े आधे रास्ते के आसपास अपन पहुंच चुके और ये रास्ता तो थोड़ा नॉर्मल है, इससे कोई बड़ी बात नहीं। बट यहाँ पर टर्न मारते टाइम भी ये भी जरा देखोगे तो नॉर्मल है, इतना बड़ी बात नहीं है। बट हाँ ये रास्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हो थोड़ी भी गाड़ी यहाँ से वहाँ डायरेक्ट पानी के अंदर, बट अपनी Kawasaki बहुत सिंपली ये मशरूम के ऊपर से लेके जाना पड़ेगा। मशरूम के ऊपर भी ऐसी गाइस थोड़ा सा भी हुआ स्लिपरी और डायरेक्ट गाड़ी पानी के अंदर। बट यार Kawasaki बहुत अच्छे से इस मिशन को कर रही है, ये रैम चैलेंज को कर रही है। आप देख सकते हो एकदम पतली जगह से अपने को टर्न लेना है, क्या ये ले पाएगी? यस गाड़ी, ये गाड़ी इतनी मस्त है ना गाइस चलने में, बता रहा हूँ चलाने में इतना मज़ा आ रहा था ना मेरे को जब ये मैं गेम खेल रहा था, बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। आप देख सकते हो यहाँ पर ये क्यूब टर्न है, क्या ये ट्यून ईजी कर पाएगी? तो यस गाइस ट्यून टर्न कर पाई है। ये ट्यून टर्न बोले तो मैं टी बनाते ना वहाँ पर, ट्यून टर्न मैं इसको बोलता हूँ इसीलिए। तो यार ये देख सकते हो कंटेनर्स के ऊपर से जाके, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर ज़्यादा एक्सीलेटर पड़ा तो गाड़ी डायरेक्ट उड़ी मार के पानी के अंदर। बट अपने को धीरे धीरे देख सकते हो 15 से 20-30 की स्पीड, चूंकि थोड़ी सी एक्सीलेटर देने पर ना ये गाड़ी 40-50 की स्पीड में पहुँच जाती है। ओ भाई साहब, इतनी सी बच्ची पानी में गिरने से, और अपन पहुंच चुके अपने फाइनल डेस्टिनेशन के पास। क्या ये जंप मारते हुए क्या ये गाड़ी पहुंच पाएगी? देखते रहना पूरा वीडियो। और ये ओ भाई सहारा लेके फाइनली हम पहुंच गए, हमारी पहली बाइक जिसने ये चैलेंज ये स्टंट रैम को इजीली पूरा किया है। तो यार अपनी तीसरी बाइक वो है यामाहा MT125, क्या ये इसको कर पाएगी? इसकी हैंडलिंग बहुत हार्ड है, बता रहा हूँ आपको, देख सकते हो ये हैंडल जल्दी होती हैं और उस हिसाब से ये ऑफ भी चली गई। तो यार बढ़ते नेक्स्ट बाइक की तरफ। तो यार जैसे कि आप देख सकते हो अपनी नेक्स्ट बाइक के पल्सर 150, क्या ये स्टैंड को रैम चैलेंज को पूरा कर पाती है, ये सुपर बाइक को टक्कर दे पाती है? तो वीडियो देखना बहुत मज़ेदार है क्योंकि अपनी इंडियन बाइक है गाइस, तो इसको तो टक्कर देना बनता है। क्या ये टक्कर दे पाएगी? क्योंकि ये बहुत अच्छी हैंडलिंग हो रही है, आप देख सकते हो स्मूथली अपन इसको लेके जा रहे हैं आगे की तरफ, कोई घाई नहीं क्योंकि अपने को देना है टक्कर गाइस सुपर बाइक को। पल्सर इतनी महंगी नहीं है, बट इंडिया में पल्सर बहुत बड़ी बाइक है, मतलब माना गया तो सुपर बाइक से कम नहीं होती पल्सर इंडिया वालों के लिए। हमें पता है कैसा लगता है पल्सर चलाने का, मज़ा अलग होता है भाई, लिटरली बता रहा हूँ। मेरे पास पल्सर 150 है, मेरे को चलाने का बहुत मज़ा आता है। तो आप देख सकते हो हमारा ड्राइवर बहुत इजीली अपने पल्सर 150 को बहुत स्मूथली लेके जा रहा है और ये पड़ाव थोड़ा मुश्किल है, अगर ये पड़ाव पार हो गया तो समझ जाना अपन ऑलमोस्ट एंड पॉइंट तक पहुंच जाएंगे। तो आप देख सकते हो
ट्रेवर ने बहुत ही ईजिली इस पड़ाव को पूरा कर लिया। मशरूम का पड़ाव इतना हार्ड नहीं है, अपने को बस थोड़ा हैंडलिंग केयरफुली करना है और गाड़ी अपनी देख सकते हो बाहर आ गए मशरूम की, और ये भी ज़्यादा मुश्किल नहीं होनी चाहिए इसके लिए। बट मुश्किल कब आएगी, आएगी, मैंने जब गेम खेला था एक मुश्किल आई थी, वीडियो देखो मज़ा आने वाला है। तो देख सकते हो यहाँ पर अटक गई क्योंकि ये जो है ना ऊपर से थोड़ा नीचे जाना पड़ता था, अटक जाती है क्योंकि गाड़ी, तो यार ये भी स्मूथली ये सब पूरा कर जाएगी। अब यहाँ से इसके बाद एक पड़ाव ऐसा आता है ना जहाँ पर अपनी पल्सर, लिटरली बता रहा हूँ क्या होता है ना, मैं नहीं बोलूँगा, आप बस वीडियो देखो समझ जाओगे क्या मतलब। भाई साहब पल्सर क्यों हार गई, मैं ये बता रहा हूँ पल्सर क्यों हार गई ना, अब आपको पता चलने वाला, आप देख सकते हो ये अपनी ट्रैक पे, और अब पल्सर अपनी फुल ऑन स्पीड में, क्या पल्सर जम मार के पल्सर पूरा कर पाएगी। मैंने इसलिए कहा था पल्सर इसी चक्कर में हार जाएगी। तो यार अपनी आज के चैलेंज की लास्ट बाइक है हायाबुसा, क्या ये टक्कर दे पाएगी कावासाकी को। ये जो हायाबुसा है ये ओरिजिनल मोड नहीं है, ये इनबिल्ड गेम वाला जो हायाबुसा की कॉपी है, ये वो बाइक है। अपन ने इनबिल्ड बाइक को भी इस्तेमाल किया है बट आप कंपेयर कर लोगे तो ये हायाबुसा, इसमें कुछ फ़र्क नहीं है, ये फुल ऑन हायाबुसा की कॉपी। और इसकी स्पीड गाइस मैं आपको बता रहा हूँ बहुत हार्ड है कंट्रोल करना इस रैम, आप बोलो तो पार्क ओवर जो ऑनलाइन में खेलते हैं हम, वो चैलेंज करना बहुत हार्ड है इस बाइक से, क्योंकि इसकी हैंडलिंग तो अच्छी है बट इसकी जो स्पीड है ना, आप हल्का सा एक्सीलरेटर दोगे तो आप देख सकते हो 50-60 की स्पीड ऐसे तुरंत पकड़ लेती है। तो यार इसको हैंडल करना बहुत मुश्किल हो रहा था जब मैं गेम खेल रहा था यार, तो मुझे लग रहा था कि ये ट्यूशन कर जाएगी। बट एट द एंड एक जगह ऐसा आता है जहाँ पर अपनी ये हायाबुसा दम तोड़ देती है, तो वो आप कहाँ दम तोड़ती है वो आप देखो और कमेंट करके मुझे बताना कि नेक्स्ट चैलेंज कौन सी गाड़ी का होना चाहिए। वो ये जगह है जहाँ पर अपनी हायाबुसा दम तोड़ती है क्योंकि ये मिसबैलेंस हो जाती है अपनी स्पीड के चक्कर में। तो यार आप देख सकते हो आज की चैलेंज की विनर है यामाहा ZX6R। तो यार कमेंट करना और वीडियो को लाइक करना, चैनल को कर देना सब्सक्राइब ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए।